नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। माफिया आतिक अहमद और अशरफ की हत्या के आरोपी शूटरों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह की आज अदालत पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। बताया जा रहा है कि अदालत ने शूटर सनी सिंह की पैरवी के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया है, जबकि लवलेश और अरुण मौर्य की ओर से अधिवक्ता गौरव सिंह पैरवी कर रहे हैं। बता दें कि चर्चित माफिया आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के आरोपी सनी की पैरवी न्याय मित्र रत्नेश कुमार शुक्ला कर रहे हैं और शिला जज की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान ये नियुक्ति की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां राजधानी के चुनहट इलाके की किशोरी ने चार लोगों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है और पीड़ित छात्रा का कहना है कि दरिंदे उसे घर से जबरन उठाकर ले गए और चार लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया, जहां दरिंदों की हैवानियत से छात्रा बेसुध हो गई। काफी देर तक छात्रा के घर न आने पर परिजनों को चिंता हुई तो छात्रा के परिजनों ने खोजना शुरू कर दिया और छात्रा के बेसुध हालत में घर से ही कुछ दूरी पर उसे मिला, जिसके बाद पीड़ित की मां ने इस्माइल जावेद उर्फ चांद बाबू और अन्य दो के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों इस्माइल और जावेद उर्फ चांद को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके अलावा पुलिस टीम के अन्य दो आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। दिनांक 13 नवम्बर को थाना चिन्हट की रहने वाली एक महिला ने थाने पर आकर यह तहरीर दी कि उनकी नाबालिग बेटी को दिनांक 9 नवम्बर को दो व्यक्ति इस्माइल और जावेद उर्फ चांद बाबू अपने साथ भगा कर ले गए थे और उसके बाद जंगल में ले जा करके उनके और उनके दो अन्य साथियों के द्वारा उनकी लड़की के साथ में रेप किया गया। लड़की 11 तारीख को वापस आ गई। उनकी इस तहरीर के आधार पर तुरंत ही अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई। उसमें अभियुक्त इस्माइल और चांद बाबू की गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जा चुका है। और अयस सदर तहसील पहुंचे सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्होंने उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर सभी समस्याओं का निस्तारण कराए जाने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के दो तालाबों का सौंदर्यकरण किया जाएगा, जिसमें एक तालाब सती तालाब है, जिसके लिए भेजे गए 3.50 करोड़ के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल गई है और पहली किस्त भी आ चुकी है, जिसके बाद जल्दी इस तालाब का काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस तालाब के और अधिक सौंदर्यीकरण के लिए शासन को 10 करोड़ का प्रस्ताव भेजेंगे, जिससे कि तालाब की साफ सफाई, चारों ओर दीवार और बैठने की व्यवस्था, टहलने के लिए सड़क बनवाई जाएगी। प्रदेश में पढ़ाई के साथ साथ खेल पर बढ़ावा दिया जा रहा है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद खेलों को लेकर रुचि भी दिखा रहे हैं, साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने का भी काम कर रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जो भी देश के लिए अच्छा खेलेगा उसको उत्तर प्रदेश में नौकरी देने का काम किया जाएगा। वहीं तमाम सरकारी विभागों में भी खेल कोटे से भर्ती हुए खिलाड़ी अपने अपने विभाग को प्रमोट करने का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि हरदोई पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल समरजीत सिंह ने पुलिस विभाग की नई पूरे देश का मान बढ़ाया है और वो फिलीपींस में, बता दें कि 8 से 12 नवंबर तक चली 22वीं एशियन मास्टर एथलेट गेम्स में 110 मीटर हार्ड हेडल में 36 देशों में दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल हासिल किए। जनपद हरदोई उत्तर प्रदेश में तैनात हेड कांस्टेबल समरजीत सिंह, जो एशियन मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता फिलीपींस में आयोजित हुई थी, उसमें इन्होंने लखनऊ जोन के टीम की तरफ से प्रतिभाग किया और वहां पर इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है 110 मीटर बाधा दौड़ में। इससे पूर्व कलकत्ता में आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भी इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था और 2022 में भी इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था और इनको जो भी आवश्यक सामग्री है एथलेटिक्स की, यहाँ हमारे द्वारा प्रदान की गई है जनपद द्वारा और हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए यह चाहते हैं कि आगे और भी प्रगति करें और गोल्ड मेडल भी जीतें और आगे बढ़ें। मैं 22वीं एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप फिलीपींस गया था और मेरा सिलेक्शन 110 मीटर हाई हर्डल रेस में था। अच्छा, कौन सा स्थान रहा आपने और आपका जो प्रतिद्वंदी रहा वो किस स्थान था? मैं भाग लिया, वहाँ 36 देशों ने रिप्रेजेंट किया था, जिसमें मेरा जो प्रतिद्वंदी था जापान के
यमाडा नाम के एथलीट से कंपटीशन था, उसका गोल्ड मेडल था और मैं सेकेंड स्थान पे था, इंडिया मेरा सिल्वर मेडल था और थर्ड प्लेस श्रीलंका के खिलाड़ी की थी जो कि हर्डल में हाथ लग जाने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गया। गाजियाबाद में एक बार फिर डिलीवरी बॉय के बैग में से चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि थाना नंदग्राम की राजनगर रेजिडेंसी में रोहित बलसन लाम का डिलीवरी बॉय अपनी मोटरसाइकिल से सामान डिलीवर करने आया था। इस दौरान जब वो फ्लैट में डिलीवरी करने गया तभी एक युवक उसकी बाइक के पास आया और बैग खोलकर दो पैकेट चुरा ले गया। वहीं रोहित बंसल ने बताया कि चोरी गए सामान की कीमत 51,000 रुपये बताई जा रही, जिसमें रोहित बंसल ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू किया था, जिसके बाद लगातार बिजली कर्मी उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल जमा और योजना का लाभ लेने के लिए अपील की जा रही थी। वहीं योजना का लाभ लेने के लिए राजधानी लखनऊ के GPRA विद्युत उपकेंद्र पर उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इस मामले पर BKT डिवीजन स्थित उपकेंद्र के उपखंड अधिकारी विजय प्रताप तिवारी ने OTS के बारे में जानकारी दी। आज सुबह से यहाँ पे 25 लोगों का OTS GPRA में हो गया है और 11 सृष्टि सब स्टेशन पर हुआ है और 17 हमारा इंटीग्रल सब स्टेशन पर हुआ है। ये योजना उन लोगों के लिए आई है जो बकायेदार हैं। इस योजना में एक खासियत और है जो कॉरपोरेशन ने अभी तक ये सुविधा नहीं दी थी, जो बिजली चोरों पे आई है कि उनको 65% का लाभ मिल जा रहा है। अगर किसी का 1,00,000 का बिल है, वो अगर उसमें 10,000 रुपया रजिस्ट्रेशन करा लें तो मात्र उसको 25,000 रुपया और जमा करना है, 1,00,000 में केवल 35,000 रुपया जमा करके और अपना जो है 65,000 का छूट पा लेना है। खबर संभल से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि बनियाठेड़ थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे, 2 चाकू और 1 बोलेरो कार बरामद की है। वहीं पुलिस के अनुसार बदमाश डकैती डालने की योजना बना रहे थे और योजना बनाते समय उनको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज रात्रि थाना बनियाठेड़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान में डकैती की योजना बनाते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम फैजान निवासी संभल, शादाब निवासी अलीगढ़, शाहरुख निवासी रामपुर तथा जिसान निवासी बुलंदशहर हैं। अभियुक्तों के कब्जे से 2 अदद तमंचा तथा 7 कार्टन बरामद किए गए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त किए जाने वाले पिकअप वाहन को भी बरामद किया गया है। इस प्रकरण में गहराई से छानबीन की जा रही है, शीघ्र ही प्रकरण में कठोर विधि कार्यवाही की जाएगी। और आया दिव्यापुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि दिव्यापुर पुलिस चेकिंग कर रही थी तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कुछ लोग लूट की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से 315 बोर के तमंचे, 12 बोर के तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं गिरफ्तार लोगों पर औरैया में गौवध अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट में कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक और ए महोदय द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक दिव्यापुर द्वारा आज दिनांक 16 नवंबर 2023 को गश्त व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर लूट की योजना बना रहे कुल 5 अपराधियों को ककुरिया गांव जाने वाली रोड पुलिया के पास से लगभग 1 बजे रात्रि में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कुल 5 अदद तमंचा व काफ़ी मात्रा में कारतूस व घटना प्रयुक्त पिकअप गाड़ी नंबर EP 7780 3856 बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एवं गोवध के तमाम अभियोग कानपुर देहात व औरैया में पंजीकृत हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कुल 10,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के जालौन चौराहे पर एक ट्रक चालक के साथ मारपीट की घटना किए जाने का आरोप चालक ने लगाया है। वहीं पीड़ित चालक ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि एटा के खेतुपुरा निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वो ट्रक चालक है और हरियाणा के कुंडली से सामान लादकर जालौन के कोच जा रहा था और जैसे ही वो कोतवाली क्षेत्र के जालौन चौराहे पर पहुंचा कि तभी ठेका कर्मियों ने उसकी रसीद काटे जाने की बात कही, जहां चालक ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह लोग
पर्ची 50 रुपए की दे रहे थे जबकि उसे 100 रुपए मांग रहे थे और जब उसने इसका विरोध किया तो ठेका कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। वहीं इस संबंध में ठेका संचालक विजय तोमर ने बताया कि ट्रक चालक द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरीके से गलत है। कुंडली जा रहा था, वहाँ जालवन जा रहा था, जालवन के पास वहाँ कोच तो यहाँ औरैया पुल के नीचे वो नगर नियम वाले थे, पर्ची काट रहे थे, 50 रुपये लिखा हुआ था, 100 रुपये मांग रहे थे मेरे पास, मेरे से ज़बरदस्ती की माँ बहनी गाली दी, मेरे को खिड़की से उतार के मारने लगे, 3600 रुपये हमारी इस जेब में थे, ये फाड़ दी, इसमें से निकाल लिए। तो इस शहर में क्या आपकी लोडिंग अनलोडिंग यहाँ से हुई थी? नहीं, मैं लोडिंग हरियाणा से करके लाया था, अनलोडिंग कहाँ करनी, पहुँच करने जा रहा था, यहाँ से कोई मतलब नहीं। जिस जगह मारपीट हुई है वहाँ पुलिस वुलिस बैठी थी? पुलिस थी वहाँ पर, उन्होंने कोई बीच बचाव नहीं किया? बचाव किया उनका, कोई बड़े बूढ़े थे उनका, कोई दरोगा जी साहब थे, राम स्वरूप जी, उन्होंने क्या माना जाए पुलिस के सामने गुंडागर्दी हो रही थी। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।